हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक और फ्रेश रीडिंग करने जा रहे हैं। अभी बैठे बैठे मुझे एक टॉपिक चैनल हुआ कि लाइफ के किसी भी एरिया में अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है और उसका आपका सलूशन नहीं मिल पा रहा है, तो उस सूरत में डिवाइन गाइडेंस क्या है। समटाइम हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारा मूड क्यों स्विंग हो रहा है, क्यों स्टक हो रहा है, ऐसी कौन सी परेशानी है जो हमारे अंदर चल रही है, और इस तमाम सिचुएशन में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपका माइंड करंट में कहाँ स्टक हुआ हुआ है, और फिर चेक करेंगे कि डिवाइन गाइडेंस आपको क्या आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं करंट एनर्जीज ऑफ योर, आपकी करंट एनर्जीज। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। ठीक है, ये टाइमलेस जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माई व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स कहाँ स्टक हैं, करंट एनर्जीज बताएं, मेरे व्यूवर्स कहाँ स्टक हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, केयरिंग कनेक्शन, कम्युनिटी, ओके, पेशेंस। चार ही कार्ड लूँगी मैं, ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी, कोशिश करूँगी कि पहले ही पार्ट पे इसको एंड कर दूँ। देखें, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यहाँ पे आप हीलर ऑफ द एजेस, आई थिंक के आप जो है ना, आपकी एनर्जी स्टक हुई हुई है, कहीं से आपकी इनकम आनी है, कहीं से फाइनेंसेस आने हैं, या किसी काम को किसी लॉन्ग टाइम से किसी बंदे ने अटका के रखा हुआ है। नंबर 3, नंबर 14, नंबर 7, नंबर 16, ये नंबर्स कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, लकी नंबर हो सकता है, एक्स वाई जी। किसी अबंडेंस का आप वेट कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन आपको अभी कह रहा है कि पेशेंस रखें। ठीक है, केयरिंग कनेक्शन, आप आई थिंक किसी रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और ये इस बारे में आप पब्लिकली नोन भी हैं, यानी कि फैमिली में, फ्रेंड्स में, या कम्युनिटी के जो लोग हैं इसमें आपको अप्रिसिएशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके अंदर ये एबिलिटीज़ हों कि आप कोई भी कनेक्शन बिल्डअप करते हैं उसमें बहुत ही एक्सट्रीम पे जाके लव, केयर, इमोशंस प्रोवाइड करते हैं। तो अच्छी चीज़ ये है कि कम्युनिटी, आपकी जो सराउंडिंग के लोग हैं, बेशक वो आपको नहीं बताते हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेंस करते हैं कि जिस तरीके से आप ट्रीट करते हैं, बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रही है, बैकग्राउंड जो नॉइस है उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। तो कम्युनिटी के लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि आप अपनी इन्हीं चीज़ों की वजह से पब्लिकली नोन है कि आप हर रिलेशनशिप को, हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा लव, केयर, इमोशंस अपनी साइड से प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी एनर्जी कहीं पे स्टक हो रही है तो वहाँ पे ये चीज़ मुझे यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि किसी भी रिश्ते के शायद ग्रोथ के लिए आप पेशेंसली वेट कर रहे हैं, या किसी इनकम के लिए, या किसी काम में सक्सेस के लिए कि जल्द से जल्द हो जाए, बट डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस आ रही है कि पेशेंस के साथ चलें। थोड़ा मज़ीद और पेशेंस रखने का बोला जा रहा है, और यहाँ पे अगर आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत लव, केयर, इमोशंस दिए हैं और आपको वहाँ से फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल सका है, तब भी डिवाइन आपको कह रहे हैं कि पेशेंसली वेट करें। आप बहुत जल्द कम्युनिटी के अंदर, यानी कि पब्लिकली देखेंगे कि किसके साथ क्या होता है। ठीक है, एक तो ये मेरे कार्ड सारे पता नहीं क्यों उल्टे सीधे हो जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट गाइडेंस कार्ड फॉर माई व्यूवर्स। क्योंकि यहाँ पे हीलर ऑफ द एजिस का कार्ड है और यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है, यानी कि आपने अगर किसी रिलेशनशिप पे, किसी वर्क प्लेस पे, या कहीं पे भी एक्स वाई जी अगर आपने एफर्ट्स पुट की हैं,
तो डिवाइन की तरफ से आपको बोला जा रहा है कि आप पेशेंसली वेट करें, डिवाइन तमाम चीज़ें देख रहे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, मैं ऐसे ही लेती हूँ कार्ड्स, पता नहीं क्यों कार्ड्स उल्टे सीधे हुए में सारे। फर्स्ट गाइडेंस कार्ड फॉर माय व्यूअर्स, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। मैंने कहा था इंपेशेंस हो रहे हैं। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, वर्क थ्रू योर फियर, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, अ टाइम फॉर हीलिंग। लास्ट टू कार्ड्स, अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ऑल ओवर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। यहाँ पे जो मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा कनेक्शन आपका जिसमें आपको फुल ऑफ क्लैरिटी नहीं मिल सकी। आप अभी भी डुअल माइंड की कंडीशन के अंदर हैं। आई थिंक आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ख़त्म हो के भी ख़त्म नहीं हुई है, कुछ है जो होना बाकी है, जो कुछ है इस कनेक्शन के अंदर रह गया है। तो अगर आप इन चीज़ों में स्टक हुए हुए हैं तो डिवाइन आपको कह रहा है कि अपने फेयर्स पे काम करें, अपनी माइंड की माइंड से सोची हुई बातों को सोच के उनके पीछे ना लगें, स्पिरिचुअलिटी के साथ चलें, प्रैक्टिकल लाइफ में जो है आगे बढ़ें। शुक्र अदा करें कि जो भी चीज़ थी, जो भी मामलात थे, उसमें आप और आपके लव वंस सेफ़ हैं। क्योंकि देखें, केयरिंग कनेक्शन के नीचे ही यू एंड योर लव वंस आर सेफ, यानी कि